हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और आप सबका वेलकम है फिर से एक न्यू वीडियो में। तो अभी ये शाम का समय है, शाम से मतलब शाम के खाने पीने से अपने वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। तो शाम के खाने में आज बनने जा रहा है, मतलब कढ़ी तो बन गया है, कढ़ी चावल सब्जी रोटी और साग बनने जा रहा है। तो कढ़ी बन गया है और चावल को धो के रख दिए हैं और यहाँ पर ये साग लेके बैठ गई हूँ। तो ये लाल साग है और ये कर्मी का साग है। तो कर्मी का साग को आज बनाएंगे लाल साग में मिक्स करके। ऐसे पिछली वीडियो में बनाई थी मैं, तो सिर्फ कर्मी का साग को ही बनाई थी जिसको छौंका नहीं जाता है। तो यहाँ पर इस बार क्या कर रही हूँ कि लाल साग ले लूँ, इससे क्या होता थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो लाल साग ले लूँ, इसको अच्छे से तेल में फ़ौरन में छौंक वगैरह लिए हैं और इसके बाद मैं कर्मी का साग को इसमें मिला दूँगी। ऊपर से मैं इसलिए मिला रही हूँ क्योंकि कर्मी का साग को नहीं छौंका जाता है, मतलब गैस के ऊपर कढ़ाई रख कर उसको छौंका नहीं जाता है, ऐसा घर में सब बोलते हैं। तो इसी अनुसार मैं करती हूँ। पिछले साल भी मैं इसी ही बताई थी और ऐसे ही की थी, इस साल भी ऐसे ही कर रही हूँ। बस पिछले साल ये था कि सिर्फ कर्मी का साग में बनाई थी, लाल साग नहीं बनाई थी। इस साल क्या कर रही हूँ कि लाल साग में मतलब मिक्स कर दे रही हूँ। ऐसे इसमें क्या है कि लाल साग को तो छौंके ही हैं, उसमें तेल फ़ौरन जो भी अपना दिए हैं उसमें ये मिला दिए हैं। मिलाकर इसको बस नमक देकर ढक देंगे, ये तो गल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, अच्छा भी लगता है। तो बस इसको अच्छे से ढक दिए हैं, ये अपना पकते रहेगा। और एक तरफ देख सकते हैं कि कढ़ी मेरा बन चुका है, इसको भी उतार के साइड में रख देती हूँ और यहाँ पर चावल को धोकर रख ली हूँ। देख सकते हैं इसको मैं चढ़ा देती हूँ पकने के लिए। और चावल बहुत ही मैं थोड़ा सा बना रही हूँ क्योंकि इस टाइम तो कोई चावल खाएगा ही नहीं, जिसको खाना है जो सुबह में ही खाएंगे, इसलिए थोड़ा सा ही बना रही हूँ। और यहाँ पर देखिए सारा चीज़ बन चुका है, बस थोड़ा सा आटा लगाना है और सब्जी बनानी है। और ये पोहे का पत्ता है, इसका भी पूजा आज होता है, तो बस तोड़कर धोकर मैं दे देती हूँ। और यहाँ पर देखिए साग बन चुका है, मिलने के बाद पता ही नहीं चल रहा है और देखने में भी अच्छा लग रहा है और बच्चे इसको फिर खाते भी हैं अच्छे से। तो देखिए सब कुछ बन चुका है, बस यहाँ पर सब्जी छौंक रही हूँ अभी। और देखिए चावल अभी हुआ नहीं है, थोड़ा सा और होगा, इसको बीच बीच में चलाते रहते हैं। तो चावल इतना ही आज बनाएंगे क्योंकि रोटी भी अभी बनाएंगे। दोनों बेटी तो फास्टिंग में ही है, दोनों का आज उपवास है और मेरा एकादशी का उपवास मैं करती थी लेकिन इस बार नहीं की हूँ। तो यहाँ पर देखिए आटा लगा लिए हैं और यहाँ पर ये थोड़ा सा कद्दू की लौकी की सब्जी बना देते हैं। तेल में ही फ़ौरन और हल्दी को मैं दे देती हूँ और कोई मसाला मैं लौकी की सब्जी में नहीं देती। और ऐसे भी ये सब्जी को रोटी में ही खाएंगे क्योंकि कढ़ी तो खाएंगे लेकिन चावल को कोई नहीं खाएगा, ये चावल कल खाएंगे बासी मतलब करके, इसको कल खाया जाता है क्योंकि ये वीडियो कर्मा एकादशी के दिन का ये वीडियो है। तो कर्मा एकादशी के दिन तो जो उपवास रहते हैं वो लोग तो नहीं खाते हैं, जो उपवास रहते हैं वही लोग इसको बासी पानी डालकर इसको खाते हैं। तो बस इसलिए ही मैं बनाई हूँ, इसमें पानी डालकर छोड़ दूँगी और सुबह में इसको खाएंगे। तो सारा खाना यहाँ पर बना के अच्छे से ढक दिए हैं, सब्जी को लेकिन छौंक कर ढक दी हूँ क्योंकि लौकी की सब्जी तो अपना गलते रहेगा। और देखिए रूम वगैरह बंद कर ली है, पूजा छत पर हो रहा है तो बस थोड़ा सा पैसा ले लेती हूँ, सारा रूम बंद कर दी हूँ और अभी छत पर जा रहे हैं। सभी बच्चे लोग अपना पूजा पाठ सामान लेकर छत पर चले गए हैं, तैयारी सब कुछ हो चुका है, बस मैं ही अब जाऊंगी थोड़ा सा तो बताऊंगी सबको, तो थोड़ा बहुत करेगी। ऐसे तो करते करते इन लोग को आ गया है लेकिन फिर भी भूल जाती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सभी तैयारियाँ अपने ये लोग अपना कर ली है। ऐसे पिछले साल तो बहुत सारे लोग आए थे, इस साल कम लोग हैं। तो देखिए यहाँ पर झूर देवता है, पूजा किया जाता है इनका, देखिए झूठ है, इन झूठ देवता का पूजा किया जाता है। और यहाँ मिट्टी के शंकर जी पार्वती जी बना लिए हैं, बच्चे अपने खुद ही बनाई है, सुकृति इसको मूर्तियों को बनाई है इस बार। और कितना ही सवेरे करो तो पूजा जो टाइम में होता उसी टाइम में होगा क्योंकि प्यास लग गया था इसको, लाडो को प्यास लग गया था ज़्यादा, तो लेकिन फिर भी पूजा पाठ कर लेगी उसके बाद ही पानी पिएगी। ऐसे तो जन्माष्टमी अगर कुछ करती थी तो मैं बोलती थी कि पी लो लेकिन पीती नहीं थी, लेकिन इसमें है कि पूजा के बाद ही पानी पिया जाता है। तो बस देख सकते हैं पूजा पाठ अपना कर रही है, तीनों मिलकर नन्ही है और ये दोनों अपना बहन मिलकर कर रही है और बस अपना ये तीनों ही कर रही है। नन्ही तो खैर खाई पी है लेकिन ये दोनों का ऐसी ही है। तो सबको यहाँ थोड़ा सा मैं टीका लगा देती हूँ, पूजा कर रही थी ऐसी टीका वगैरह नहीं लगाई थी। और अभी कथा पढ़ने जा रहे हैं तो पहले वही मैं पहले सोची कि टीका वगैरह लगा देते हैं, लेकिन कथा पढ़ने से पहले यही ध्यान में आया कि पहले जितना भाई रहते हैं उतना झूठ देवता में गिट्ठा मतलब बोलते हैं कि बांधा जाता है। तो बस वही मैं रुक गई थी कि पहले बांध लो। तो
यहाँ पर देख सकते हैं कि लाडो बांध रही है और ये दोनों भी अपना बांध ली है, मतलब जितना भाई रहते हैं उतना इसमें गिट्ठा लगाया जाता है, फिर उसको कथा के बाद खोला जाता है। तो चलिए हो गया था सबका, तो यहाँ पर बस मैं ही कथा पढ़ देती हूँ। अभी लोग पढ़ेगी लेकिन धीरे धीरे पढ़ेगी या तो फिर नहीं भी पढ़ पाएगी, तो बस इसलिए मैं बोली कि मैं ही पढ़ देती हूँ। और ऐसे भी कर्मा एकादशी किए चाहे या नहीं किए, लेकिन कथा को सुनना भी चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। तो मम्मी भी बैठी हैं और जो भी लोग थे सभी लोग बैठे थे, कथा सुन लिए थे। उसके बाद देखिए कथा के बाद इसको इस तरह से खोला जाता है, मतलब जो बांधी है उसी को ये खोलेगी, खोल करके ऐसे सीधा करेगी। और इसको तो अच्छे से बांधने भी नहीं आ रहा था और ना इसको खोलने ही आ रहा था, खोलने में एक ठो तोड़ भी दी थी, लेकिन इसको सुकृति बोली कि देखिए तोड़ भी दी थी, बोले कि कर देते हैं हम, लेकिन कहाँ ये सुनने वाली है। तो बस इसी तरह से तीनों, मतलब तीनों अपना जो बांधी है उसको यहाँ पर इसी तरह से खोल देती है, पूरा खोल कर सीधा कर लेती है। और इतना आज हवा चल रहा था, मतलब कि हवा भी बहुत ज़्यादा चल रहा था छत पर, ऐसे तो बारिश सुबह से ही हो रहा था, लेकिन फिर थोड़ा सा पूजा के टाइम रुक गया था तो पूजा पाठ ऐसे ऊपर हो गया, नहीं तो हम लोग सोचे कि कहाँ पूजा पाठ होगा। तो हवा भी बहुत चल रहा था, दिया भी नहीं जल पा रहा था। तो हो गया है पूजा पाठ और बारी आती है आरती करने की। तो देख सकते हैं सब आरती कर रही है और ये लोग को तो बस जल्दी 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 कि शरबत पानी पीना है, तो बस आरती कर रही है। बहुत अच्छा लगता है कर्मा एकादशी का व्रत करना भी चाहिए, बहन लोग तो जरूरी करती है। नहा दे बेचारी को, कपड़ा फिंगा दिया। चल सुकृति का बारी, अरे दे नहीं घुराओ। कोई नहीं चाहिए। अब कहा सुन रहे हैं, अरे हर कुछ तानी तानी ले रहा पनिया है कि जाए ना, हो रहा बैठा है सब जा। देखिए देखिए वो लगना चाह रहा लिपा के रो तो सबकी मस्ती के साथ देख सकते हैं पूजा पाठ तो अच्छे से हो गया, शरबत पानी भी सभी लोग पी ली है और अभी सभी तीनों बच्चे प्रणाम कर रही है अपने से बड़ों का, सबका आशीर्वाद लेगी प्रणाम करेगी। बस यहाँ का पूजा पाठ यहीं पर खत्म हो गया और सब अभी यहाँ पर तो जो कलश वगैरह लगाई थी ये सब यहीं पर रहेगा, बाकी सब अपना लेकर नीचे जाती है। और सुकृति तो ऐसे कुछ नहीं खाएगी, लेकिन लाडो बोल रही है कि खाएगी, तो उसको पेड़ा वगैरह कुछ फल वगैरह खाने के लिए मैं दे देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो बैठी थी सब बिछा कर, तो मैं सोची कि यहीं पर अभी पानी से ऐसी ही करके पसार देती हूँ। उसके बाद देख सकते हैं कि आकर यहाँ पर मैं दे रही हूँ लाडो को, लाडो को ही दे रही हूँ, सुकृति नहीं खाएगी। केला है पेड़ा है उसको दे देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि वो नहीं रह पा रही थी, वो बोली कि हमको चाहिए खाने के लिए, तो खा लो पूजा हो ही गया है। तो ऐसे तो खाना नहीं चाहिए, सिर्फ शरबत पिया जाता है इसमें, लेकिन अगर खाने के लिए मांग रही है बच्ची है क्या करेगी, इसको दे देते हैं खाने के लिए। तो सुकृति चली गई है सोने के लिए, शरबत पानी पीने के बाद थोड़ा सा शरीर ऐसा लगता है, आराम करने के लिए चली गई है। और यहाँ पर लाडू भी खाएगी, खाकर जाएगी आराम करेगी सोएगी। उसके बाद दुकान से आए हैं तो उनको मैं रोटी बनाकर दे दी थी, खा लिए हैं और खाकर वो चले गए हैं सोने के लिए। मैंने उनके दो तीन चार रोटी बनाकर मैं दे दी थी, फिर मैं छोड़ दी थी, फिर देखिए अभी बना रही हूँ। ऐसे भी मैंने हम तीन लोग ही खाते हैं, वो तो सोने ही चले गए हैं खाकर, हम माँ बेटा अब हैं हम दोनों खाएंगे। तो चावल तो कोई नहीं खाएगा, ऐसे भी एकादशी को मैं चावल कभी बनाती नहीं हूँ ना खाती हूँ, तो आज तो खाना ही नहीं है, आज तो कर्मा एकादशी का दिन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ले लेते हैं कढ़ी, सब कुछ लेंगे, कढ़ी साग वगैरह रोटी खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे। तो बस यहाँ पर खाए थे, वहीं पर बर्तन को रहने दिए थे, उसी में थोड़ा बहुत सब्जी था तो उसी में हम दोनों ले लिए हैं। और हम लोग भी खाएंगे, खाकर चले जाएंगे सोने के लिए। कोई भी पूजा पाठ हो तो थोड़ा सा भी थक जाता है,
मतलब काम बढ़ ही जाता है। और फिर सुबह में भी उठकर इन लोगों को पूजा पाठ करवाना है, क्योंकि ये सब पूजा सुबह सवेरे सूर्योदय होने के पहले कर लेना चाहिए, विसर्जन कर देना चाहिए। तो बस हम लोग भी खाएंगे, खाकर जाएंगे सोने के लिए। तो चलिए वीडियो का अब एंड भी करते यहीं पर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।